ऐसे बेल्ट पिंस है ना आपके, ऐसे बेल्ट, ऐसे बेल्ट ऐसे बांध के अब चला करो, वॉक किया करो। आपको एक्सरसाइज की नहीं जरूरत है, चलना है, कमर पे डबल प्रेशर पड़ रहा है। इतनी तेज भी नहीं, आराम से चलते रहो। हाँ चलो, जैसे चल के यहाँ पे दीवार को धक्का देती हूँ, मैं बताती हूँ, वीडियो देखते हो। हाँ ऐसे, हाँ उधर भी धक्का दो, ऐसे तेज चलना है। चलना ज्यादा जरूरी है, हमारी कमर पे डबल जोर पड़ रहा है। ऐसे घर में बड़ा होता है घर, तो पूरे हर कमरे में जाके चलते रहो बेल्ट बांध के। खड़े होके फिर से दिखा दो, ये बेल्ट दिखा दो हमारे व्यूअर्स को। ट्विंस के लिए पूछते हैं क्या करना है, कैसी कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का इतना रोल नहीं है क्योंकि आपके बेबी ज़्यादा बड़े तो होने नहीं है। खोल के दिखाओ बेल्ट, है खरीदी अपने बेल्ट? हाँ, थायराइड की डोज चल रही है आपकी, है ना? दिखाओ, बांधते हुए दिखाओ फिर से। ये जो बीच का होता है ये लेना है, खरीदना है, खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है, ये बीच का एक्स्ट्रा पार्ट होता है। खोल के दिखाओ, हाँ ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको यहाँ रखा। प्रेगनेंसी के बाद फिर भी ये सेम बेल्ट काम आ जाएगी। तो ये बैग, इसका डिब्बा दिखाना, डिब्बा दिखाना। अभी हम ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं वीडियो। अच्छा लग रहा है ये पहन के, सपोर्ट लग रहा है ना? हाँ हाथ भी रख सकते हैं, चुन्नी भी बांध सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी के पास। चुन्नी दिखा ना, चुन्नी भी बांध सकते हैं, जैसे आप चुन्नी को ही बेल्ट की तरह बांध सकते हैं। सिंगल वाले भी बांध सकते हैं, जरूरी नहीं डबल वालों ने बांधना, जिनका सिंगल बेबी है वो भी। ऐसे भी सिंगल, इससे आपका ऐसे ये ऊपर को रहता है और कमर पे उतना वजन नहीं पड़ता। हमारे कमर पे ये गड्ढा जो बनता है इसीलिए बनता है क्योंकि ऐसे इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बच्चे के वजन से वो ढल के ना, ढलक जाती है आजकल की। अगर तो हम वजन उठाते हमारी होती स्ट्रांग तो नहीं ढलकती। जब डिलीवरी हो जाएगी तो वो बीच वाला निकल जाएगा पोर्शन, सेम यही काम आ जाएगा, यही काम आ जाएगी, यही वाला पोर्शन निकल जाएगा, है ना? फिर वो बेल्ट वैसे काम आ जाएगी बाद में। साइज से बड़ी लेना अपनी, मीडियम कौन सा साइज है ये देखना, ये आप पतले दुबले लंबे हो ना, ट्विंस का पता नहीं चल रहा। हाँ आराम से आपके जाएंगे, नाइन्थ मंथ में एक्सरसाइज कर लेना बेबी पोज वाली, कमर के लिए है ना वो, उसका दोनों फायदे हैं। बाकी कमर की ये तो करते ही हो गए अभी भी, है ना? ऐसे तकिया रखना है और जितना तकिया बस उतना ही उठाना है। और ऐसे बैठे रहो, हवा धूप भी लगती है, ये वाली करनी है ये वाली कर लो ऐसे, है ना? ऐसे हवा धूप इधर से आ रही है तो अपनी बॉडी को धूप लगती है, लोअर बॉडी, पैर ऊपर किए नीचे किए, समझ आ रही है मेरे बताने से? ऊपर नीचे किया दोनों साइड से ना, ये भी वॉकिंग हो रही है, जैसे वैसे चलते चलते आए लेटे फिर ये वाली वॉकिंग कर ली, फिर ये कमर उठाने वाली कर ली, फिर नींद आ गई सो गए लेफ्ट साइड करके। सोना कैसे? ऐसे तकिया ऊंचा रखो, तीन तकिया रखो, ये अपने यहाँ पे भी तकिया रखो, कंधा ऊंचा करके लेफ्ट साइड टर्न करके गाने लगा के, ठीक है? पहले एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करके फिर सो गए, एंजॉय करो। अभी तुम्हारा 7 मंथ हुआ है, 8 महीना हम और निकाल देंगे, 9th में डिलीवरी हो जाए, इतना डर नहीं है। बाय बाय।